देखा और देख करके उसने अपने मन में घमंड किया। उसने कहा क्या मैंने नहीं बनवाया, ये सब कुछ तो मेरा ही है और सब मैंने बनवाया है। तो ऐसे जब उसके मन में ये बातें सोचाई, आपको पता है क्या हुआ? सिर्फ इतनी बात घमंड उसके मन में आया, उसका परिणाम क्या निकला? अब इसी आगे बढ़ेंगे। ये वचन राजा के मुंह से निकलने भी ना पाया था। वचन कहता है कि ये वाला वचन जो वो बोल रहा था वो निकलने भी ना पाया था। आकाशवाणी हुई हे राजा नबूकदनेस्सर तेरे विषय में ये आज्ञा निकलती है कि राज्य तेरे हाथ से निकल गया परिणाम देखा आपने, घमंड करने का परिणाम क्या निकला? देखने से एक चीज और आती है, वो पता क्या आता है? घमंड, है ना? देखने से घमंड आता है कि नहीं आता? अच्छा, याद है कि नहीं? आप जब देखते और सोचते हैं तब आपके अंदर घमंड आता है। एक व्यक्ति के विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा कि कौन व्यक्ति है जिसके साथ जिसको घमंड आया और फिर उसका परिणाम क्या निकला। निकालेंगे दानियल की किताब, दानियल की किताब चार अध्याय और हम चाहेंगे कि उसकी 29, 30 और 31 नाम पर तीन आयतों को पढ़ेंगे। कोई एक जन पढ़ देगा जिसको मिल जाता है। दानियल 4, 29, 30 और 31। 12 महीने के बीतने पर, बाइबल बताती है 12 महीने के बीतने पर, जब वो बाबुल के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब मैं कहने लगा क्या ये बड़ा बाबुल नहीं है? जिसे मैंने ही अपने बल और सामर्थ से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है यहाँ पर अभी हम रुक जाएंगे थोड़ा सा। अभी जो है उसका कार्य चल रहा है, ठीक है? अभी उसका ये काम चल रहा है। उसने क्या किया? उसने वो जो बाबुल की यहाँ पर लिखा है, जो इस वाले बाइबल में आप पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है बेबीलोन की छत पर जब वो टहल रहा था तो राजभवन के ऊपर टहलते हुए उसने एक बात को देखा। उसने क्या देखा कि बहुत उसे चारों तरफ नजर आ रहा था। क्या उसे मालूम है? क्योंकि जो बेबीलोन शहर है उसके विषय में जब मैंने जाना तो इसके विषय में पता चलता है कि वहां पर जो इमारतें बनी हुई थी, जो भवन बने हुए थे, वो सोने के बने हुए थे। तो उसने जब देखा और देख करके उसने अपने मन में घमंड किया। उसने कहा क्या मैंने नहीं बनवाया, ये सब कुछ तो मेरा ही है और सब मैंने बनवाया है। वो ऐसे जब उसके मन में ये बातें सोचाई, आपको पता है क्या हुआ? सिर्फ इतनी बात घमंड उसके मन में आया, उसका परिणाम क्या निकला? अब इसी आगे बढ़ेंगे। ये वचन राजा के मुंह से निकलने भी ना पाया था। वचन कहता है कि ये वाला वचन जो वो बोल रहा था वो निकलने भी ना पाया था। आकाशवाणी हुई हे राजा नबूकदनेस्सर तेरे विषय में ये आज्ञा निकलती है कि राज्य तेरे हाथ से निकल गया। परिणाम देखा आपने, घमंड करने का परिणाम क्या निकला? कि भैया राज्य ही निकल गया। जो कह रहा था ना वो कि राज्य सब मेरा ही है, मैंने बनवाया। परमेश्वर कहता है कि वाला वचन उसके मुंह से भी निकल भी ना पाया था। वचन कहता है कि आकाशवाणी भी और कहा गया कि ये जो राज्य है वो तेरे हाथ से अब निकल के जा चुका है। तो आप समझ गए होंगे कि घमंड का परिणाम क्या होता है। अगर आपको भी घमंड आता है अपनी चीजों पर, आपको भी आता है अपनी बातों पर, बहुत अच्छे हैं, कई लोग बहुत अच्छा सब कुछ कर लेते हैं, बहुत अच्छी उनके अंदर परमेश्वर ने वो चीजें दे रखी होती हैं जिन पे हम घमंड कर सकते हैं, लेकिन हमें घमंड नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीजें परमेश्वर ने हमें दे रखी है, अगर परमेश्वर ने दी है तो फिर घमंड किस बात का है कि नहीं? हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए जो चीज हम कर लेते हैं, जो काम हम कर लेते हैं, जो कुमत हमें है, जो सामर्थ हमें है। अगर
परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहेंगे। अगर हम बहुत अच्छा गा लेते हैं, अगर हम बहुत अच्छा परमेश्वर के वचन को बना लेते हैं, अगर हम बहुत अच्छा म्यूजिक बना लेते हैं, या फिर बहुत से लोग होंगे यहाँ पर अन्य अन्य काम करने वाले हैं ना, मैं सबके काम तो नहीं जानता, सब जानते हैं। तो बहुत अच्छा अगर आप काम कर लेते हैं, कोई कोई बहुत अच्छा घर बना लेता है, कोई बहुत अच्छा सब कुछ कर लेता है, तो जो कर लेता है उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर ने आपको ये योग्यता दी है कि आप उस काम को कर सके, है कि नहीं। परमेश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए, ना कि हमें घमंड करना चाहिए कि परमेश्वर ने बहुत कुछ दे दिया है तो हम इस बात पर घमंड करें, है ना। घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वचन कहता है कि जब उसने घमंड किया तो बाइबल बताती है कि उसका परिणाम कुछ ऐसा निकला कि उसके हाथ से राजभवन जो मतलब जो राज्य था उसको छीन लिया गया। उसके आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। उसको राजभवन ही नहीं छीना गया, उसे राज्य नहीं छीना गया, बल्कि उसको राज्य से बाहर भी निकाल दिया गया। आगे आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। और उसको ना तो यहाँ तक कि उसको यहाँ तक कि हम देखते हैं कि उसको मनुष्यों के बीच में भी नहीं रखा गया, राजा को, इसको राजा को मनुष्यों के बीच में भी नहीं रखा गया, उसको बाहर निकाल दिया गया। उसकी जिंदगी जानवरों जैसी हो गई थी, उसके पंजे उस जो हाथ के नाखून होते हैं वो इतना ज्यादा बढ़ चुके थे, उसके बाल बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। आप आगे पढ़ना अगर आपको समय मिलता है तो बाइबल पढ़ने का, अगर मिलता है तो आप जरूर पढ़िए, वैसे कोई समय निकालेगा तो जरूर मिलेगा, मैं जानता हूँ, है कि नहीं। अगर वचन पढ़ने का समय आप निकालेंगे तो मिलेगा कि नहीं, कोई जरूरी काम आपको करना होगा तो समय मिलता है कि नहीं मिलता। वचन पढ़ने के लिए समय नहीं मिलता, फिर निकालना पड़ेगा, है ना, जरूर से निकालें और पढ़ें कि आगे फिर क्या हुआ। तीसरी बात, अभी मैंने आपको दो बातें बताई, लालच घमंड, तीसरी बात जो है मन की अभिलाषा,